वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप आसानी से अपने बच्चे को सिखा सकते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल्स यानी कि पहाड़े। मैंने मेरे 3 साल के बेटे प्रथम को कुछ नंबर के टेबल्स सिखा दिए हैं, बाकी की अभी वो सीख रहा है। तो आइए पहले देखते हैं कि कितनी अच्छी तरह इस छोटे से बच्चे ने टेबल्स याद कर लिए है। उसके बाद मैं बताऊंगी आपको वो ट्रिक्स जिससे मैंने मेरे बेटे को टेबल सिखाए हैं, जो कि आप भी यूज कर सकते हैं। सेवन टेबल गुड। टेबल वेरी गुड। हवे टू नो टेबल टेबल बोलते रहे मिनिमम 1 वीक तक, और अच्छे से टोन में बोलना है, जैसे कि 1 1 1, 1 2 2, 1 3 3। इस तरीके से अच्छे से टोन में गाते हुए आप बच्चे को टेबल्स सुनाएं। और ये जरूरी नहीं है कि आप उसको सामने बिठाकर उसको कहे बेटा सुनो, ये नहीं करना है।
आप उसके साथ खेलते वक्त, खिलाते वक्त, और स्पेशली जो मैं करती थी वो उसको सुलाते वक्त आप टेबल्स गाए, तब बच्चा बहुत शांत होता है और वो सिर्फ आपको सुन रहा होता है। तो अगर रात के टाइम आप गाते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा। अब आपने मिनिमम एक वीक या 10 दिन तक कोई भी एक नंबर का टेबल गाया है, उसके बाद यूट्यूब पे कार्टून वाले मल्टीप्लिकेशन टेबल के वीडियो बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप उसको वो दिखाएं कुछ दिनों तक। उसके बाद आप उसके सामने रखे कोई कलरफुल चार्ट या बुक जिसमें टेबल्स हो, और बच्चे की उंगली पकड़कर नंबर्स पे घुमाते हुए आप साथ में वो टेबल गाएं और उसको भी रिपीट करने को कहें। पहले बच्चे ने आपसे सुना है, फिर वीडियो देखा है, उसके बाद बुक इंट्रोड्यूस होगी तो उसको उसमें इंटरेस्ट आएगा। और ध्यान रखें कि सबसे पहले कुछ आसान नंबर्स के टेबल सिखाने हैं, जैसे कि 1, उसके बाद 10, क्योंकि वो 1 से काफी सिमिलर होता है, उसके बाद 11 सिखा सकते हैं, उसके बाद 2 का सिखाए, और 2 का सीख जाए तो साथ में 20 का सिखा दे क्योंकि वो भी सिमिलर रहता है। और ध्यान रखे कि पास पास के नंबर्स के टेबल साथ में ना सिखाए क्योंकि उनकी वैल्यू के डिफरेंस काफी कम होते हैं, तो मिक्सअप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर 2 का सिखा दिया है तो 5 का सिखा दें, 2 के बाद 3 का ना सिखाए, 3 का सिखाया तो फिर 7 या 8 का सिखा दें। इस तरीके से मिक्सअप होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। और स्टार्टिंग में अगर बच्चा आसानी से सीख जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसको बाकी के टेबल्स भी सीखने का मन होगा। अगर आपके बच्चे ने लिखना शुरू कर दिया है तो आप उसको लिखवा भी सकते हैं, पर ध्यान रखें कि लिखने का स्टेप सबसे लास्ट में रखें क्योंकि ज्यादातर बच्चों को लिखना पसंद नहीं होता और उस चक्कर में वो टेबल सीखने बैठेंगे ही नहीं। तो ये थी कुछ ट्रिक्स जो कि मैंने यूज की थी, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।